हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ पूरे जोश और होश के साथ, बहुत सारी ढेर सारी आपके लिए जॉब लेकर के। और खास करके मैं ऐसे जो मैंने जो है लिखा है हेडिंग में, तो टीए आर्मी नहीं तो क्या हुआ, ये जॉब आपकी पक्की। जी हाँ साथियों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बंदे आर्मी में ही जाना चाहते हैं या आर्मी से जो वंचित रह गए हैं वो टीए आर्मी के अंदर जाके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। और जिनका हमेशा से ये राय कि मैंने और कोई जॉब करनी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आर्मी या टी आर्मी के अंदर जाना है, तो दोस्तों आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ये ना करें कि मैं आपको आपके पथ से बिल्कुल भी नहीं भटका रहा हूं। और मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं कि अगर आपका ऐसा ही मानना है तो जल्दी ही टी आर्मी की भर्ती आए और आप अपने उसमें कामयाब हो जाएं, ठीक है। तो बाकी बीच बीच में मैं टी आर्मी की भी जानकारी देता रहता हूं, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं स्पेशल, तो जो बच्चे जैसे भी अभी काफ़ी उनकी एज हो चुकी है या उन्होंने कर लिया कि अब तो यार हम टी आर्मी में शायद भर्ती नहीं हो सकते या हम अब कहीं के भी नहीं रहे या उनके पास कोई भी काम धाम नहीं है, तो दोस्तों उनके लिए मैं एक बेहतरीन जॉब लेकर आया हूं और उसके अंदर पेमेंट भी इतना अच्छा है कि जो मैं आज दोस्तों बात करूंगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए, उसमें एक्स सर्विसमैन भी जा सकते हैं, उसके बाद सिविलियन भी जा सकते हैं। और सिविलियन मेल और फीमेल ये दोनों के लिए ही है, उसमें मेल के लिए भी डिमांड है सिविलियंस के लिए और फीमेल के लिए डिमांड भी है। और जो भाई एक्स सर्विसमैन है वो भी इस जॉब के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों पहली बार मैं देख रहा हूँ खास करके सिविलियंस के लिए इतना जो पेमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड में कहीं भी इतना पेमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो दोस्तों लोगों की थिंकिंग है वो जहाँ पर जब सिक्योरिटी गार्ड का नाम आ जाता है तो वो यही सोचते हैं कि यार क्या सिक्योरिटी गार्ड है, ऐसे गेट पर कहीं खड़ा होगा, कहीं उसकी सैलरी कितनी होती है, 9-10 हज़ार रुपया, ज़्यादा अगर वो 12 घंटे ड्यूटी करेगा तब भी उसको 12 हज़ार रुपये से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आज जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन है और इसमें सैलरी कम से कम 3 गुना ज़्यादा है। तो ठीक है, अभी बात करेंगे दोस्तों, मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ वन बाई वन करके, बने रहिए वीडियोज में। और अगर आप सच में ही जॉब करना चाहते हैं, आपकी जॉब को नीड है, आप अपने परिवार को चलाना चाहते हैं, मम्मी पापा या आपको अपनी आपकी बहन की शादी का बोझ है या सारी जो आपका जो घर की ज़रूरतों का जो वजन आपके कंधों के ऊपर आ गया है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, हताश ना हो। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मैं इसके अंदर ज्वाइनिंग करा दूंगा, बशर्ते आप इस जॉब को करने वाले बनने चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अभी इनकी डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा, ये जॉब है जो ESM के लिए बात करेंगे, एक्स सर्विसमैन, यानी जो भाई एक्स सर्विसमैन है और यानी कि अपनी दूसरी इनिंग शुरू करना चाहते हैं और जिसमें चाहते हैं कि हमको अच्छा पैसा मिले, तो उनके लिए भी ये जॉब है, हमारी कंपनी ये जॉब उनको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो ESM सुपरवाइजर के लिए जो देखना चाहते हैं, और सुपरवाइजर में पता है अपना ESM जो होते हैं उसमें नायब सूबेदार या सूबेदार को सुपरवाइजर के तौर पर लेते हैं। तो दोस्तों उसमें जो आपका ड्यूटी का टाइम रहेगा 12 घंटा और इसका जो CTC रहेगा आपका 31,437 रुपये का रहेगा, ठीक है। जो आपके इन हैंड सैलरी है वो कम से कम आपको 27,000 रुपया PF वगैरह काटने के बाद आपके अकाउंट में आएगा। एक नंबर ये तो बात हो गई ESM की। अभी बात करते हैं दोस्तों हम ESM की ही एक्स सर्विसमैन की सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो बात थी सुपरवाइजर के लिए। तो जो एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड के अंदर भर्ती होना चाहते हैं दोस्तों, उनका जो ड्यूटी टाइम है वो रहेगा 12 घंटे और जो दोस्तों उनको जो पेमेंट है वो 29,930 रुपया है और कटना पिटने के बाद यानी कि आपका PF वगैरह कटने के बाद आपको 26,000 आपके खाते में आ जाएंगे। अभी दोस्तों हम बात करते हैं सिविलियंस के लिए, जहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा सिविलियंस काफ़ी किसी अस्पताल में रहते हैं या किसी ATM के में खड़ा कर देते हैं उनको, या काफ़ी ढेर सारी आजकल प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके गेटों पर खड़े रहते हैं या उनकी जो पोस्ट रहते हैं उन पर खड़ी होती हैं, तो लोगों की थिंकिंग इसके प्रति बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी एक बेहतरीन ऑफर है जिनको जॉब की नीड है। और जो हम सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती करेंगे, हमारी कंपनी आपको भर्ती करेगी, वहाँ पर आपको एक बेहतरीन ड्रेस दी जाएगी जो कि नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से 1,000 गुना आप ज़्यादा स्मार्ट और बेहतरीन दिखोगे और आपका जो उसमें फ्यूचर है वो भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और जो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो बात करेंगे दोस्तों सिविलियंस की, तो उसमें ड्यूटी टाइम रहेगा आपके लिए 12 घंटा और जो आपका पेमेंट है वो रहेगा 29,187 रुपये और PF वगैरह कटने के बाद आपका जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आपके खाते में जो पैसा आएगा वो आएगा आपका 26,000 एंड प्लस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही लेडी, यानी कि जो ये कंपनी है और ये छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के अंदर आपको सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करनी है, कहीं किसी गेट पे करनी है तो कहीं उसके अंदर पोस्ट पे करनी है या कहीं उसके अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट के आसपास निगरानी रखनी है, लेकिन काम करना है सिक्योरिटी गार्ड का ही। और जो आपको ड्रेस प्रोवाइड कराई जाएगी एकदम वो बेहतरीन ड्रेस है जो कि ऐसा लगता है जैसे कि कहीं किसी फोर्स का ही बंदा है, नॉट सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो लेडीज़ की दोस्तों बात करेंगे, उनकी जो ड्यूटी टाइम है इसमें थोड़ा उनको कम किया गया है क्योंकि वो लेडीज़ हैं, उनका ड्यूटी टाइम रहेगा इसमें साथियों
मात्र 10 घंटे, और जो उनका पेमेंट है वो भी दोस्तों वही है 29,187, और पीएफ वगैरह कटने के बाद जो उनके सैलरी अकाउंट में आएगी वो आएगी 26,000 रुपया। अब इसमें रहना और खाना आपका ही होगा, ठीक है। तो आप जैसे दो दो तीन तीन बंदे अपना ग्रुप बना के कहीं भी सस्ते कमरे मिल जाते हैं और आप खाना भी बना करके हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 या 4,000 रुपये महीने खर्चा आएगा। तो आराम से आप 22,000 से 23,000 रुपया हर महीने बचा सकते हैं। इतनी अच्छी सैलरी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, तो मैंने इतनी अच्छी सैलरी सिविलियंस के लिए आज तक के अपने जीवन में कहीं भी नहीं देखी होगी। और दोस्तों ये आपको भी अवगत है, आपने सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे, खड़े भी होंगे, या उनसे कभी आपने वार्तालाप भी की होगी, तो ज़्यादातर 12 घंटे के 12,000-10,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी उनको देता नहीं है। तो जिन भाई को सच में रियल में ही जॉब की नीड है, अब बात बताता हूँ कि ये जॉब है कहाँ पर। तो दोस्तों ये जॉब निकल के आई है हमारे पास गुजरात के अंदर एक जगह है सिलवासा और दूसरी जगह है दहेज। तो वहीं पर ये दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड की ये पोस्ट हैं, जो रिक्तियाँ हैं, वहाँ पर आपको ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। अभी दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें हाइट, यानी कम से कम जो आपकी हाइट है वो 5 फुट 6 इंच होनी ही चाहिए। उसे ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कम से कम हाइट है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, तभी आप इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें दोस्तों उनकी एज की, तो एज इसमें भी 18 से 45 साल या 40 साल तक के भी वो लोग हैं जो वो इसमें लग सकते हैं, ठीक है। और जो एजुकेशन की बात करें तो जिन भाइयों ने ओनली 10th पास कर रखा है वो भी इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों ये तो थी डोमेस्टिक सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि इंडिया में ही सिक्योरिटी गार्ड। अभी हमारी जो कंपनी है वो विदेश यानी फॉरेन कंट्री के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग करते हैं। तो जिन भाइयों को ईश्वर ने अच्छा कदकांठी दी है, जिनका जो स्वास्थ्य अच्छा है, जिनकी बॉडी अच्छी है, हेल्दी है, यानी कि जो देखने में लगते हैं बाउंसर जैसे, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बाउंसर की वैकेंसी निकली हुई है और उसमें पे आउट है वो काफ़ी अच्छा है। तो जो लोग, आपको पता है जैसे अभी एक बार हम विदेश में कहीं निकल जाते हैं तो हमारा रहने का, बोलने का, चाल चलने का तार तरीका ही बदल जाता है, और जो हमारा जो स्टैंडर्ड है काफ़ी अप हो जाता है। तो वहाँ पर रिक्वायर्ड है बाउंसर की, दोस्तों उसकी अपनी सारी डिटेल्स मैंने सुन ली है। उसमें जो सैलरी रहेगी, यानी कि जो एनुअल सैलरी रहने वाली है आपकी दोस्तों, वो 6.15 यानी 6,15,000 एनुअल रहने वाला है। और अगर बात करें पर मंथ की तो आपको वहाँ पर 51,300 रुपया, यानी कि इंडियन करेंसी में आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय करेंसी, 51,300 रुपया पर मंथ मिलेंगे। दूसरी बात करें दोस्तों, आपको बाई कंपनी द्वारा ही आपको वीज़ा बनवाया जाएगा, फ्री वीज़ा प्रोवाइड कराया जाएगा आपके लिए, और जो वहाँ पर रहने की व्यवस्था है वो भी कंपनी द्वारा ही करवाई जाएगी, यानी कि वो कंपनी ही आपको फ्री अकोमोडेशन देगी, लेकिन खाना आपका खुद का होगा उसमें। उसके बाद दोस्तों बात करें मेडिकल इंश्योरेंस, और कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराएगी, जब भी आप कुछ बीमार वगैरह पड़ते हैं या कोई ऐसी आपको समस्या आती है तो उस इंश्योरेंस के थ्रू कंपनी आपका इलाज करवाएगी। ये बात कर लेते हैं इसकी दोस्तों रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट है इसके 2 साल का, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, यानी उस भाई ने जो बाउंसर के लिए एप्लीकेबल होगा उसने किसी इंडियन कंपनी में यहाँ पर कम से कम उसमें 2 साल बाउंसर की ड्यूटी करी होनी चाहिए, और उस पर इस टाइप का कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बात करते हैं इंग्लिश, हाँ, तो जो विदेश के लिए भाई जो बाउंसर में जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के अंदर, उनको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, ये बहुत मस्ट है, ये जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बात करें इसमें एज लिमिट, तो दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है आपकी 25 से 40 साल रहने वाली है, और जो हाइट है इसमें कम से कम दोस्तों आपकी हाइट 6 फिट रहनी है, यानी 6 फिट से ऊपर हो तो अच्छी बात है, लेकिन 6 फिट से कम कोई दोस्त इसमें नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए, जिन भाइयों को सच में ही रियल में ही जॉब की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरा जो अकाउंट है, इसी अकाउंट में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने सारे लिंक डाल दूंगा। तो मुझे फटाफट जिन भाइयों को सच में ही ज़रूरत है वही मुझे मैसेज करें, फालतू का कोई टाइम कास्ट करने के लिए मेरे साथ मैसेज वहाँ पर ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं और और जो बच्चे या जो बंदे विदेश जाने के इच्छुक हैं वो सोचते हैं हमने ईश्वर ने हमको अच्छी कदकांठी दी है, तो वो अपना अभी से ही अपना पहले एक पासपोर्ट बनवा लें, बाकी वीजा तो आपका कंपनी फ्री में ही बनवाएगी। तो पासपोर्ट पता ही आपको दोस्तों सिर्फ 15 डेज के अंदर पासपोर्ट बन करके आपके घर पर भी आ जाता है, और उसकी जो लागत है वो भी 1500 रुपये से लेकर के 1700 रुपये में बन जाता है पासपोर्ट, इतना कोई कठिन काम नहीं है। तो पासपोर्ट ऑफिस में जाएं और आज ही अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। ये थी ढेर सारी जानकारी, अगर इस चीज़ के बारे में और भी किसी को कोई ज़्यादा ढेर सारी जानकारी चाहिए या कुछ ज़्यादा मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर के आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कि आए दिन इस चैनल पर मैं आपको ढेर सारी डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री की जॉब प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी 0% फ्रॉड की गारंटी के साथ में, ठीक है। आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी चाहे वो विदेश में हो या इंडिया में होने वाली नहीं है।
तो फिलहाल दोस्तों मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम, बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट भर्ती की जानकारी के बारे में या किसी नई रिक्वायरमेंट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।